सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हर्षिता का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए ब्लॉग में। सो अभी मैं हरिद्वार ही हूँ गाइस। अभी तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार में घूमने, काफ़ी जगहों पे ऋषिकेश वगैरह हम जाएंगे घूमने काफ़ी जगह। तो आज वही आज सारा चीज़ों को कवर करने वाले कि क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और ये भी दिखाऊंगा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस है घूमने के लिए। तो ब्लॉग शुरू कर देगा, मैं ट्रैवलर से जाऊँगा नीचे, सब लोग पहुँच गए तो बस अभी पहुँच रहा हूँ। पहले आउटफिट चेक करवा दूँ आपको अपना, ये आउटफिट क्या है मेरा आज का। ये देखिए गाइस, ये है मेरा आज का आउटफिट, काला चश्मा, ब्लैक शर्ट, हमारा बर्बेरी का बैग अमीर वाला सिद्धू मूसे स्टाइल, और ये मेरी ब्लू जीन्स और नीचे शूज़। तो अभी चलते हैं गाइस, पहले मैं रूम लॉक करके सीधा ये ट्रैवलर के पास पहुँच कर ये आप लोगों से मिलने वाला हूँ। तो गाइस ये आ गई है हमारी ट्रैवलर गाड़ी जिसमें हमें जाना है अंदर। तो पहले सब लोग बैठेंगे अंदर, फिर आपको ट्रैवलर अंदर से दिखाते हैं कैसी है ट्रैवलर। ये रही गाड़ी सभी ट्रैवलर जो है अंदर से, और बढ़िया गाड़ी है, एकदम लग्जरियस होती है ट्रैवलर भी। सब लोग भाई छोड़े बैठ जाए, फिर हम तो आगे निकल रहे हैं आगे अपनी अपनी तरफ पे। आगे वाली विंडो खुलेगी भाई, आगे वाली नहीं खुलेगी। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने घूमने के लिए, तो चले घूमने जा रहे हैं अब। तो ट्रैवलर भी चल पड़ी अपनी, तो कहाँ कहाँ जाएगी आपको सारा कुछ दिखाएगी इसी ब्लॉग में। ब्लॉग में मज़ा आने वाला है आज तो पूरा। वो वहाँ उधर रेलवे स्टेशन वगैरह भी बन रखे हैं, होटल एकदम रेलवे स्टेशन के पास ही ले रखा है हमने। तो अभी क्या जा रहे हैं वही पहुँच के अब हम आपसे मिलेंगे। सो अभी हम लोग रुके हैं सब नाश्ता करने के लिए फास्ट फूड सेंटर पे। सेंटर पे लिखा है प्रजापति फास्ट फूड सेंटर, ये इनका स्टॉल्स, और ये भाई लोग यहाँ सारे शेफ वगैरह लगे हुए हैं। तो भाई तो अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंदर उसके आगे आगे कुछ भी नहीं मिलेगा नाश्ता, जहाँ पे अगले स्टेशन है उससे आगे कुछ नहीं मिल पाएगा फिर ऋषिकेश में। तो हमें तो इसलिए अभी यहीं पे नाश्ता उश्ता करो अपना, आराम से परांठे खाओ और मज़े करते हैं। चलिए गाइस अंदर चले परांठे खाने, परांठे बना रहे हैं भले। तो भाई परांठे क्या भाव दिया हमारे परांठे का, ये परांठे का क्या भाव है भैया? एक प्लेट में दो पराठे 60 रुपए के हैं। 60 रुपए के, और अगर किसी दो सब्जी मिलेगा भैया, राजमा उड़द की दाल, आलू गोभी की सब्जी। राजमा उड़द की दाल, बढ़िया। और एक प्लेट में अगर हमें एक ही परांठा लेना हो किसी को तो मिल जाएगा एक? हाँ भाजी मिल जाएगा। तो 20 रुपए का एक परांठा, तो फुल प्लेट दो 60 रुपए की, बढ़िया। और अगर यहाँ पे किसी को खाना हो तो ये आ सकता है खाना खाने ट्रैवलिंग करते हुए? हाँ भैया, बढ़िया। और सीटिंग एरिया अंदर पूरा है सारा, बढ़िया मेरे भाई। और ये चावल, चावल क्या भाव है? चावल हाफ 40 रुपए है, रावल 60 रुपए। रावल जी बहुत अच्छा है, ये थोड़ा मजाक किया है तो थोड़ा समझ गया, मजाक किया हमारे मास्टर जी। तो चलिए भाई भाई के परांठे चक्के देखते हैं हम भी बढ़िया से। तो ये देखिए गाइस, ये परांठे आ गए, मम्मी को तो पहले ही बहुत जल्दी मती है परांठे खाने की और अबे परांठे में मिला है प्याज, आलू गोभी, राजमा, और ये अचार या चटनी जो भी है। तो मेरा परांठे एकदम बढ़िया लग रहे हैं गाइस खाने में, तो चक्के देखे वहाँ परांठे। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा लिया, मतलब खाना क्या था टेस्ट करके देखा, खा भी दिया पर खास नहीं था, मतलब ठीक ठीक खाना ही था नॉर्मल सा। तो अभी ट्रैवलर के अंदर ही बैठा हुआ होगा ही, तो अभी बाकी सब लोग चाय वाय पी के आएंगे, तो मैं थोड़ी देर वेट करके बैठा ताकि हम आगे अपना ट्रिप कंटिन्यू करें। ये देखिए भाई, हम लोग अभी यार थोड़ा सा रस्ते में ही अभी, और वहाँ ट्रैवलर हमारी खड़ी हुई है। ये नीचे गंगा नदी दिखेगा इस, क्या लग रही है एकदम साफ़ सुथरी पवित्र नदी हमारी, और ब्रिज के ऊपर ही खड़े गए। इस ब्रिज के ऊपर चैनल आउट नहीं है, मैं अपने रेस्ट पर वीडियो बना रहा हूँ पर गाइस अब थोड़ा याद रखिएगा ये टाइगर रिजर्व एरिया है, थोड़ा ध्यान से रहिएगा। और गाड़ी के शीशे वीशे सब ऊपर रखिएगा यहाँ पे आए तो। वैसे जंगल सफारी आप कर सकते हैं, पीछे ही है इसके जंगल सफारी, पर अपनी गाड़ियाँ नहीं जाती वहाँ पे, पहले ही बता दूँ मैं आपको। तो और ये देखिए क्या जगह है, क्या है, और उधर पहाड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं एकदम देखने में। अभी मैं गाइस आया हूँ नीलकंठ, क्योंकि ऋषिकेश थोड़ा अलग जगह पे था, ये नीलकंठ हम पहले आया यहाँ पे कवर करने, क्योंकि अभी पार्ट वन है हमारा ये, तो मुझे वैसे ऋषिकेश जाना था पर अभी हम नीलकंठ को ही कवर करेंगे सारा। तो एक चीज़ आपको यहाँ दिखा दूँ पहले ही, ये देखिए गाइस यहाँ पे यार गाड़ियाँ आपको यही पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ियाँ जाएगी नहीं, गाड़ी नहीं जा सकती आगे यहाँ से, और हमने अभी ट्रैवलर यहीं पर छोड़ी अपनी, तो हम यहाँ से पैदल जा सकते हैं गाइस, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब सीधा चलते रहो पैदल पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा पैदल पहुँच के वही जैसे जमीन मिलूंगा जो हमें कवर करनी है। ये देखिए गाइस यहाँ से व्यू भी काफ़ी दिख रहा है, और
आवाज़ भी आ रही है जानवरों वगैरह की, लेकिन गाड़ी आ रही है, थोड़ा साइड होना पड़ेगा पीछे से, क्योंकि यार थोड़ा रिस्क है, संभाल के वीडियोज़ बनाइएगा। उधर देखिएगा इस पहाड़ वगैरह क्या कैसा है, एकदम लग रहा है जैसे कि बादल पूरे छाए हुए हैं, ऐसा कि सफ़ेद कैंडी हो जो भी है, पर घूमने का एक अलग ही मजा है इस टाइम पे पहाड़ी इलाकों में। तो अभी गाइस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है मंदिर, चलते चलते वैसे पहुँच जाएंगे। वैसे गाड़ी अभी आप कर सकते हैं, पर अभी गाड़ियाँ लेने का फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि अभी जितने जो चल सकते हैं वो तो चले ही। गाड़ियाँ यहाँ 150 रुपीज़ पर कार है, पर वैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ रही है, बस छोटी छोटी गाड़ियाँ ही आ सकती है, अपनी गाड़ियाँ नहीं जा सकती गाइस, क्योंकि गाड़ियाँ बाहर पार्किंग में इनके अंदर जा सकती है सर, कि इनकी यहाँ पे परमिट वाली गाड़ी है पूरी। तो गाइस यहाँ इस जगह पे आपको मार्केट वगैरह भी दिखेगी और आगे हमें शिवजी का एक मंदिर भी दिखेगा प्राचीन। तो यहाँ देखिए क्राउड कितना है यहाँ पे इस टाइम पे भी ट्रैवलिंग करें, यहाँ वैसे गाड़ियाँ ला सकते हैं पर पार्किंग में ही खड़ी करनी पड़ेगी हमें नीचे से, और ऊपर भी जैसे ऊपर भी गाड़ियाँ आने नहीं दे रही क्योंकि रश की वजह से भी काफ़ी, और रश देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे। और देखिए महादेव की टी शर्ट वगैरह लगा रखी है छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़े बड़े बच्चों के लिए काफ़ी। भाई अभी हम पहुँच गए महादेव के मंदिर नीलकंठ वाले में, और यहाँ पे क्राउड आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा, शॉप वगैरह प्रसाद भी ले सकते हैं यहाँ से चढ़ाने के लिए। तो उन सीढ़ियों से उतर के जाना है हमें नीचे, तो नीलकंठ पहाड़ी के बारे में आपको बताऊँगा सारा कुछ, लेकिन लास्ट में बताऊँगा अभी वीडियो को, अभी हम वीडियो को इन्जॉय करेंगे, सिर्फ इन्जॉय करना अभी हमें, और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रही, लास्ट में बस में बैठ के आपको बताऊँगा। सो गाइस अभी हम लोगों ने ले लिया मंदिर के अंदर एंट्री, और यहाँ पे रास्ते काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलेगा आपको, मैं रास्ते दिखा रहा हूँ, शॉप्स वगैरह भी काफ़ी है, आराम से आप जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलेगा गाइस, और सबका हाथ पकड़ के चलेगा क्योंकि लाइन में कोई खो भी सकता है। तो अभी हम आपको अंदर की लाइन दिखाते हैं कि अंदर लाइन कितनी बड़ी है। तो गाइस ये देखिए मतलब कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, क्राउड देख ही सकते हैं आप कितना है, तो काफ़ी पीछे वगैरह भी जा सकते हो आप, क्राउड बहुत, तो देख सकते हैं हम वैसे आगे से भी जा सकते हैं गाइस, VIP दर्शन करेंगे, मैं तो आराम से VIP दर्शन करने जाऊँगा मैं तो। सो गाइस हमने ले लिए फाइनली मंदिर के अंदर एंट्री, और अभी आप देख ही सकते हैं क्राउड कितना आया हुआ है, लेकिन मंदिर के अंदर हम फोटो वगैरह नहीं खींच सकते, तो मैं आपको बाहर से ही सारा कुछ दिखा रहा हूँ कि मंदिर कैसा बना हुआ है, जालियाँ वगैरह लग रखी है हर जगह। तो अभी मैं गाइस दर्शन कर लूँ, फिर मैं आपसे भी मिलूँगा बाहर जब मंदिर से एग्जिट ले लेंगे। गाइस हमने ले लिए फाइनली मंदिर से एग्जिट, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मतलब शिव जी का बहुत बड़ा त्रिशूल भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे, जहाँ लोग हमेशा पूजा वगैरह करते रहते हैं और इस पर अपनी मालाएँ बांधते हैं, धागे वगैरह बांधते हैं, इसमें हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गाइस। तो यहाँ पे भी आप इतनी मनोकामनाएँ पूरी कर सकते हैं। गाड़ी से हम वापस जा रहे हैं, कहीं और पार्ट वन होता है हमारा NDI पर हरिद्वार सीज का, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं नीलकंठ में भी, आते बता देता हूँ, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के लिए मांगने आते हैं, शिव जी की मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ऊपर ही आता है थोड़ा, तो यहाँ मन्नत मांगने के लोग आते ही रहते हैं हर साल, तो आते ही है यहाँ पे। तो फिर एक पार्ट टू के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर्षिता ब्लॉग्स को, क्योंकि अब बहुत जल्दी पार्ट टू भी रिलीज़ हो जाएगा हमारे यूट्यूब पर।